सरकारी स्कूलों में एडमिशन का दौर चल रहा है और नए सत्र की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बाल स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला शीघ्र करवाएं ताकि शुरू हुए सत्र में बच्चे अपनी पढ़ाई सफलता से शुरू कर सकें। उन्होंने बताया कि नए सत्र की कक्षा शुरू हो गई है, ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों को दाखिला लेने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। हमारे विद्यालय में पहली तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो गई थी, तो जिसमें हमने पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे पास एडमिशन लें और हमारी क्लासेस भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई हैं। तो छठी क्लास में हमारे पास जितने मंडी के प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं वहां के छात्र आते हैं, और नाइन्थ कक्षा में हमारे अपने विद्यालय के छात्र तो जिन्होंने आठवीं से क्लास उत्तीर्ण की है वो तो एडमिशन लेते ही हैं। इसके साथ ही पुरानी मंडी के जो हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, पटरी का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, उसके अलावा रोपा के हैं या प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं। तो हमारी क्लासेस सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है, और फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों के अभिभावकों से ये आह्वान करना चाहूंगा, ये मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं वो बच्चे जल्दी एडमिशन लें ताकि उनकी पढ़ाई का ज्यादा नुकसान ना हो। प्लस वन प्लस टू की हमारी एडमिशन जारी है, विभागीय आदेशानुसार पहली से दस तक जो है बिना लेट फीस के एडमिशन है, तो 11 तारीख से प्लस वन प्लस टू की क्लासेस भी सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएंगी। तो मैं नए सत्र के प्रारंभ पर सभी अभिभावकों को मुबारकबाद देता हूं, शुभकामना देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अभिभावक इस विद्यालय की प्रतिष्ठा को देखते हुए यहां अपने बच्चों को अवश्य एडमिशन लेंगे।